नमस्कार जी, हम यहाँ प्राचीन मंदिर में हैं, आसाम रोड पर पूर्णपुर तहसील में। गुरु जी उसका इतिहास बता रहे हैं। हाँ जी गुरु जी बताइए। जब तपस्या के बाद फिर क्षेत्र पब्लिक को जो प्रभाव करो तो जो प्राचीन सवन साल पहले जो हनुमान जी छोटे स्थापना महात्मा जी करके गए। हाँ जी हाँ जी, सतपुर महात्मा थे। फिर मेरी तपस्या द्वारा क्षेत्र प्रभाव द्वारा फिर 11 फुट बजरंग बली बनाए गए। अच्छा जी, जिन्हें पूरे पब्लिक ने 10,000 पब्लिक के हिसाब से स्थापना करी गई। इनकी बरायत भी निकली, बड़े इतिहास धूमधाम से स्थापना करी गई। पूरनपुर सारो कस्बा भी उस क्षेत्र जाए थे, बड़े हनुमान जी। इसी द्वारा फिर जो बाबू मंदिर है नी विनाश पब्लिक। इस मंदिर का सारा निर्माण कार्य गुरु जी ने खुद लगाया है। सारा पैसा 11 हनुमान जी की मतलब स्थापना की गई। पूरे मंदिर का निर्माण कार्य, शिव जी की मूर्ति, काली माता की मूर्ति, सभी का जो भी खर्चा हुआ मुझे तो वो भी बता दी। हाँ जी हाँ जी। फिर इसके बाद 85 में 86 में नाथ कल्याण सिंह सरकार दोबारा आई। हाँ जी हाँ जी। फिर ये मंदिर प्रशासन ने तुड़वा दो। अच्छा जी। हाँ, तुड़वाए के फिर यहाँ 10,000 पब्लिक पूरे जिले को आंदोलन को 10 दिन जाम लगो। अच्छा जी। हाँ, फिर प्रशासन ने आगे दोबारा आंदोलन को सबको उठाया और अवशासन लो ना, तो जो मंदिर को दोबारा पहले नाम लो। फिर इसमें भी जाके भीम सिंह ने हाई कोर्ट में यानी मुकदमा दायर करके हाई कोर्ट में आदेश करें इस मंदिर में कोई क्षति ना पहुँचाई जाए, अब इस मंदिर में कोई धार्मिक कार्यक्रम ना रुक जाए हाई कोर्ट के लिए। अच्छा, बीएम सिंह जी ने पूरा साथ दिया है। ठीक है जी। और पहले पहले पब्लिक ने गुरु प्रभाग जाम वाम लगा, फिर बीएम सिंह ने कोर्ट में फिट दायर करी। ठीक है जी। प्रशासन के खिलाफ तो चाहे कि कोर्ट में आदेश करें इस मंदिर में कोई क्षति ना पहुँचाई जाए, कोई धार्मिक कार्यक्रम ना रुक जाए कोर्ट में, तो उसके द्वारा सब देखिए। ये बहुत ही बड़ी फख्र की बात है कि हमारे सरदार जी, सरदार बीएम सिंह जी ने इस मंदिर को बचाने के लिए बाबा जी का पूरा साथ दिया। हमें फख्र है उन पर, हमें उनके ऊपर प्राउड है कि हमारा एक पंजाबी भाई हमारी कौम की विरासत को आगे लेके जा रहा है। और पूरा इलाका पीलीभीत का बीएम सिंह को एक देवते की तरह मानता है, सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे को पूरा अवशासन दो बाबा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत ना है। बीएम सिंह मेरे तुम्हारे साथ है, कोई भी उंगली तुम्हारे नहीं जाए। खैर, तब से हमारे राय कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, अब भी आते जाते पूछते। बहुत बड़ी कृपा है हमारे पंजाबी भाइयों की, जिन्होंने एक मिसाल पेश की। बीएम सिंह सरदार जी ने बाबा जी का आशीर्वाद पूरा लिया और इस मंदिर को पुनर्स्थापना कराई और कोर्ट में संघर्ष किया। हमें मान है, हमें फख्र है ऐसे पंजाबी पर। हम मिलते हैं कुछ ही समय बाद। नमस्कार।